आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3। 3 का पहला क्वेश्चन कहता है फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल्स टू। तो इसके लिए ए क्या है, कोई भी इंटीजर है तो हम ए इक्वल्स टू 5, 7, -3 कुछ भी मान लेते हैं, दो तीन वैल्यू मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है -1 को ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम -1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1 5 होगा, और एक बार माइनस आया तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह से -1 × 7 करेंगे तो 7 × 1 1 हो जाएगा, और एक बार माइनस है तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह से -1 × -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, और दो बार -× - आया तो ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि -1 × a जब भी करेंगे तो हमको -a आएगा, कब, जब a एक इंटीजर हो। ठीक है, यही काम करना था। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विथ -1। इसका पहला पार्ट कहता है कि -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा। तो -22 को मल्टीप्लाई कर देना है -1 से, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 22, 22 × 1 22, और माइनस माइनस दो बार आया तो प्लस हो जाएगा। सेकंड पार्ट कहता है इसका बी नंबर 37 × -1। तो 37 × 1 37, और माइनस एक ही बार आया है तो ये -37 हो जाएगा। सी पार्ट कहता है 0 × -1। तो 0 × -1 × 0, मतलब 0 में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इंटीजर से तो वो हमेशा 0 ही देता है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3। अगले वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।